जब टीवी देखना नहीं है तो बंद कर दें। इस बात बस तो कर साफ जाहिर है कि मेरे और मुसज्जाब के बीच में झगड़े की जो भी वजह है। सच सच बता, सोनिया और उसके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं ना? आजकल दिन रात उठते बैठते सोते जाते आप यही बात सोचते, मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र तो होती नहीं आपको। देखो नैना, सोनिया मेरी इकलौती बहन है और इस वक्त बहुत मुश्किल में है। वो बेचारी का शौहर भी नहीं रहा और इस वक्त सर छुपाने का उसके पास सिर्फ एक ही आसरा है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अकेली कहाँ है वो? रबाब बेगम है ना उसके पास, जिन्होंने सारी जिंदगी अशफाक साहब की हराम की कमाई अपने नाकारा शोहर को खिलाई, जाके रहे उनके पास। आखिर को सगी नंद है ना उसकी। सोनिया रबाब के घर नहीं जाएगी, मैं उसका भाई हूँ और वैसे भी ये उतना ही उसका घर है जितना कि मेरा। आज कह दिया आपने, आइंदा ये बात आप नहीं दोहराएं। ये ओवर स्वीट भाई बनना बंद कर दें और बाप जैसा भाई बनने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक बेटा है ना आपका, उसका बाप बनके फर्ज अदा कर दें, काफी है। पहले इतनी महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल है हमारा, मजीद उसे उठा के ले आए ताकि बोझ बनके मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहे। आखिरी बार आपको समझा रही, अगर सोनिया ने मेरे घर में कदम रखा तो मैं उसी वक्त नोमी को लेकर चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले बच्चे पे उसका मनहूस साया पड़े।